पाखी के जाते ही शाह परिवार में दिखाई दी एकता प्रेम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। शाह परिवार को देखकर आज ऐसा लगा कि ऐसा परिवार तो हर घर में होना चाहिए। सब लोग बिना मुंह बनाए बैठे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, पाखी को भगवान मिला दो, पाखी को भेज दो, कोई एक्शन नहीं कर रहा है। तो इससे एक ही चीज साबित होती है कि ऐसे बैठ के अगर प्रेयर करेंगे मिलजुल के तो शायद कुछ अच्छा हो भी जाए। तो इस पे चर्चा करते हैं, ये थोड़ा सा मुझे कॉमिक सा सीन लगा। तो बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। बहुत सारे कमेंट्स आपके आए हैं, बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे इस बात की चर्चा भी की है कि वनराज क्या कर रहा है, तोशु क्या कर रहा है, समर क्या कर रहा है। पहले तो कुछ भी नहीं कर रहे थे, चलो अब पूजा पाठ करना शुरू किया। तो क्या इनको पाखी की यही चिंता है कि बैठ के पूजा पाठ करो और फिर वो पाखी वापस आ जाए। जितना भी एक्शन करते देखा हमने, पहले अनुज को देखा, अब अनुपमा को देख रहे हैं। सिर्फ वो दो ही लोग हैं जो एक्शन करके पाखी को लाने की कोशिश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं पाखी को। ये लोग कुछ भी करते नहीं नजर आ रहे। अगर हम वनराज इन तीनों को देखें तो इन लोगों ने क्या किया, पहले भागे भागे गए कपाड़िया हाउस, कपाड़िया हाउस में अधिक को चार गाली निकाली है ना, फिर आगे वापस अपने घर पे, फिर उन्होंने यादों में अपनी पाखी को याद किया, रोए, बहुत कुछ किया, ढूंढा किसी ने नहीं। एक आध फोन कर लिया होगा बीच में दोस्त को या इधर उधर, सड़क पे जाओ कहीं पे ढूंढो, कुछ तो करो ना। वहीं पे बैठे हैं, वहीं पे दुख सोग मना रहे हैं जैसे पाखी मर ही गई हो। तो ये शाह परिवार आज बैठ के प्रेयर कर रहा था, चलो इसलिए मुझे अच्छा लगा कि कुछ तो कर रहा है। उसी प्रेयर से शायद अनुपमा को पाखी मिल भी जाए, क्योंकि प्रेयर प्लस एक्शन इक्वल टू रिजल्ट। तो यहां पे जो प्रेयर हो रही है वो तो पूरा तन मन धन से हो रही है। डिम्पी तक बैठी है और वो भी मुंह नहीं बना रही है, उसको भी पाखी की चिंता है। तो दो दिन पहले तो नहीं थी, अब आज अचानक चिंता भी है, सब कुछ है। वो सब देख के मुझे तो कॉमेडी भी लगा और बीच में ये भी लगा कि अब कम से कम एकता तो दिखाई दे रही है। बीच में वनराज बैठा है नए नकोर कपड़ों में, सब लोग तैयार हैं पूजा पाठ के लिए और कर रहे कृष्ण की भक्ति। तो ये चीज जो है ये आंखों को कभी कभी ऐसे दिखती है कि क्या है ये परिवार, कभी भी कुछ भी कर सकता है। जहां पे जिस चीज की जरूरत है वहां पे वो नहीं करता है, कुछ और ही करना शुरू कर देता है। अनुपमा की चिंता हम देख रहे हैं कि बेटी नहीं आई है, वो खा नहीं पा रही है, वो मतलब कुछ अपना फ्रेश नहीं हो पा रही, कुछ भी नहीं कर पा रही है, आराम नहीं कर पा रही है। फिर भी अनुज के कहने से वो करती, उसका पूरा ग्राफ समझ में आ रहा है, मगर इनका नहीं समझ में आ रहा। पाखी आएगी तो यही सबसे पहले आगे बढ़ेंगे और पाखी को गले लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, जैसे इन्होंने ढूंढ लिया हो पाखी को, और जिन्होंने ढूंढा होगा वो पीछे कतार में खड़े होंगे। तो ये है भाई शाह परिवार, बड़ा विचित्र परिवार है ये कहना बहुत ही जरूरी है। कुछ अलग ही साउंड करता है, हर माहौल में कुछ अलग ही साउंड करता है। जहां पे शांति होनी चाहिए वहां पे शांति कर देता है, ज्यादातर अशांति ही करता है। तो आज शांत बैठे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, देख के अच्छा लगा। आप बताइए आपका क्या कहना है इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.